संत कबीर नगर में हैरान कर देने वाली घटना, सुभाषपा महासचिव की दिन दहाड़े ली जान, मामले में बड़ा खुलासा, सामने आई वजह, यूपी के संत कबीर नगर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। भले ही यूपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर कोई देश में यूपी की मिसाल पेश करने की बात करती नहीं थकती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। लोगों में पुलिस और प्रशासन का कोई डर या खौफ नजर नहीं आ रहा है। कभी भी किसी भी समय कोई भी किसी की जान का दुश्मन बन जा रहा है। संत कबीर नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की घर में घुसकर जान ले ली गई। घटना खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के दीघा बाईपास इलाके की बताई जा रही है। नंदिनी के शरीर पर चाकुओं से कई वार किए गए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े जान ले ली जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। नंदिनी राजभर अपने घर के कमरे में बिस्तर के नीचे जमीन पर लुहूलुहान पड़ी मिली। उनके गले पर तेज धार से वार किया गया। नंदिनी राजभर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में नंदिनी की जान ले ली गई है। स्थानीय भूमाफियाओं ने नंदिनी राजभर के चचिया ससुर बालकृष्ण की जमीन बिना पूरा पैसे दिए रजिस्ट्री करवा ली थी। इसके चलते 29 फरवरी को बालकृष्ण ने खुदकुशी कर ली और रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला था। मामले को लेकर पुलिस ने भी कहा है कि जमीनी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। थाना खलीलाबाद के अंदर में नंदिनी नामक एक महिला है, इनकी एक धारदार से इनकी हत्या हुई है। घटना करीब 3 बजे के आसपास की है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस को सूचना मिलने के उपरांत यहाँ पर इमीडिएटली पहुंचने के उपरांत यहाँ पर फील्ड यूनिट सीनियर ऑफिसर आए हैं और तहरीर लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर मामला सर क्या सामने आया? सर मामला अभी इन्होंने करीब 10 दिन पहले एक भूमि के संबंध में विवाद हुआ था, जिस विवाद को लेकर 3-4 लोगों के नाम इन्होंने दिए हैं, तहरीर में नाम दिए हैं। हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं और जैसे भी जांच के अनुसार चीजें आगे बढ़ेंगे आगे दिखेगा। बता दें कि इस केस में नंदिनी राजभर चचिया ससुर के साथ स्थानीय भूमाफियाओं के खिलाफ पैरवी कर रही थी। नंदिनी धोखाधड़ी, धमकी और पैसा नहीं देने के मामले में उन आरोपियों का मुखरता से विरोध कर रही थी। बीते दिनों मामले में पुलिस ने एक आरोपी पन्नेलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन इसी बीच बीते रविवार 10 मार्च को नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े घर में घुसकर जान ले ली गई। पुलिस ने मामले में नामजद 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नंदिनी के घर वालों का कहना है कि नंदिनी को लगातार धमकियां मिल रही थी। हालांकि उन्हें धमकियां कौन दे रहा था इस बारे में परिवार ने किसी का नाम नहीं लिया है। बहरहाल देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।